वर्ष 2018 में बेंगलुरु में सेंचुरी सारस अपार्टमेंट को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। परिसर का बिजली बिल इतना अधिक था कि सभी 138 मकान मालिक चिंता में पड़ गए। कॉमन एरिया की बिजली खपत के बदले हमें बिजली विभाग को 80,000 रुपए तक मासिक बिल देना पड़ता है। हमारे पास कावेरी का पानी पाइपलाइन के जरिए नहीं आता है, इसलिए पानी पर बिजली की खपत अधिक होती है। हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी को साफ करना पड़ता है। तब हमने सोचा कि क्यों ना सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। 2020 में अपार्टमेंट ने 3 लाख की लागत से 50 किलोवाट की क्षमता वाला सोलर रूफटॉप प्लांट लगाया। अब लगभग 60,000 रुपए हम हर महीने बचा रहे हैं। इस बचत ने हमारी आंखें खोल दी है। अब इससे उत्पन्न बिजली को ग्रिड में भेजा जाता है और महीने के अंत में अपार्टमेंट के बिजली बिल से इसे घटाया जाता है। मुझे लगता है 4 साल के भीतर ही सौर ऊर्जा पर लगाया पैसा वापस मिल जाएगा। सेंचुरी सारस को सौर ऊर्जा का काफी लाभ मिला। इससे पैसे तो बचे ही, साथ ही पर्यावरण संबंधित फायदे भी हुए। लेकिन बेंगलुरु में रूफटॉप सोलर की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं है। 2022 के अंत तक 1.2 गीगावाट सोलर रूफटॉप एनर्जी का लक्ष्य रखा गया था, पर लक्ष्य अभी काफी दूर है। आखिर बेंगलुरु इस मामले में पीछे क्यों छूट रहा है? हमने रूफटॉप फोटोवोल्टिक सिस्टम के तेजी से प्रसार न होने के कारणों का विश्लेषण किया। हमने पाया कि रिटर्न न मिलने और बिजली पैदा करने में अनिश्चितता इसकी बड़ी वजह है। फिर हमने इस अनिश्चितता को कम करने की तरफ काम करना शुरू किया। सी स्टेप नामक संस्था ने 2020 में रूफटॉप इवेल्यूएशन फॉर सोलर टूल या सी रेस्ट नाम का एक टूल लॉन्च किया। हमने लाइडार नामक इस तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहा जाता है। यह प्रकाश की किरणों की तरंगों को माप सकता है। सी स्टेप ने बेंगलुरु के हर छत की सौर क्षमता की गणना करने के लिए जटिल एल्गोरिदम का उपयोग किया और 1170 वर्ग किलोमीटर की मैपिंग की। और परिणाम स्वरूप हमें पता चल सकता है कि किस छत पर कितनी सौर ऊर्जा क्षमता है और वहां से कितनी बिजली मिल सकती है। संस्था का अनुमान है कि अगर 8 लाख से अधिक छतों पर रूफटॉप सौर संयंत्र लगाते हैं तो बेंगलुरु में सौर ऊर्जा के माध्यम से 3.2 गीगावाट ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। इस टूल की मदद से घर के मालिकों को सौर ऊर्जा से कमाई का अनुमान भी लग सकता है। इस तरह हम उन लोगों को प्रेरित कर सकते हैं जिन्हें सौर ऊर्जा से अच्छा रिटर्न मिलेगा। जिन्हें सौर ऊर्जा से कम फायदा होगा उन्हें सब्सिडी दिया जा सकता है। अगर सरकारी सब्सिडी मिले तो उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर लगाने की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिल सकती है। वर्तमान में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थानीय बिजली आपूर्ति कंपनियों के माध्यम से सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी पर्याप्त है, लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि जमीन पर इसका क्रियान्वयन सफल नहीं रहा है। उपभोक्ता को सब्सिडी का फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। जीएसटी पहले 5% था और अब 2021 से बिजली आपूर्ति पर जीएसटी 12% और सोलर पैनल लगाने पर 18% तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार नेट जीएसटी 13.8% हो गया है। इस तरह सरकार एक तरफ उपभोक्ता को लाभ देने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ उसे वापस भी ले रही है। पिछले 2 वर्षों पर नजर डालें तो देखेंगे कि बेस्कॉम ने इंस्टॉलर को सूचीबद्ध करने के लिए 4 से अधिक बार प्रयास किया है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि टेंडर के नियम, दिशा निर्देश आदि काफी जटिल हैं। बेंगलुरु की बिजली कंपनी सब्सिडी देने के पहले कदम पर ही मुश्किल का सामना कर रही है। उन्हें ऐसी सौर पैनल लगाने वाली एजेंसी ही नहीं मिल रही है जो उनकी शर्तों से सहमत हो। सब्सिडी के लिए 1250 लोगों में से लगभग 250 ने अपना आवेदन वापस ले लिया है। कुछ सरकारी अधिकारी केंद्र की नीतियों को भी जिम्मेदार मानते हैं। लास्ट ईयर पिछले साल हमने टेंडर मंगाया था, एक एजेंसी का चयन किया गया और उन्होंने एक सर्वेक्षण भी किया। उन्हें इस काम में दिक्कत होने लगी, टेंडर की दरें बाजार भाव से मेल नहीं खाती, उनका रेट मार्केट रेट से मेल नहीं खाता। आखिरकार उन्होंने टेंडर रद्द कर दिया। नतीजा यह हुआ कि बिजली कंपनी बेस्कॉम को अपना लक्ष्य घटाना पड़ा। 2020 में बेस्कॉम ने 300 मेगावाट का लक्ष्य रखा था, 2022 में इसे घटाकर सिर्फ 10 मेगावाट कर दिया गया। सेंचुरी सारस में निवासी अपनी 75% बिजली बचा रहे हैं। अब उन्होंने तय किया है कि नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेंगे, यानी पूरी बिजली सौर ऊर्जा से बनाएंगे। फिलहाल यह लक्ष्य पाना मुश्किल लग रहा है। हमें एक और 15 किलोवाट के संयंत्र की आवश्यकता है जो हम बेस्कॉम की वर्तमान नीति के कारण नहीं लगा पा रहे हैं। I think they are commercially something maybe the issue, I feel.